सो इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं नाउ, राइट। जो भी आंसर होगा इसको लिख लीजिएगा, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इफ वी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन विच वी हैव मेंशन्ड द मंथ, वी नीड टू कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग 12, राइट। प्लीज इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर एक्साइटमेंट में आके क्वेश्चन को 9 साल मत लेके बैठ जाना प्लीज, ओके। क्योंकि गलती करी है कई स्टूडेंट से, करी है, एक्साइटमेंट होती है कि यस क्वेश्चन आ गया, वही कर रहा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स डू इट यार इन फास्ट। तो प्लीज ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाना, इट हैपेंस एक्चुअली विद एवरीवन इंक्लूडिंग मी एज वेल, ओके। तो मेक श्योर 9 मंथ्स को ध्यान से कीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, ओके लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई अनदर क्वेश्चन। I just want you to calculate this figure. खुद तरीके से करो आप सॉल्व, क्योंकि सब कुछ ही मैं कर लूंगा तो फिर कॉपी करने का क्या फायदा, राइट। तो हो सके तो लिखने के बाद आंसर सॉल्व जरूर कीजिएगा। ओके लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन, अनदर प्रॉब्लम। ओके द प्रॉब्लम इज एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल रुपीज 75,000 इन रुपीज 3,500 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 6 months। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पर विल रुपीज 75,000 रुपीज इन रुपीज 3,500 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट इन 6 months। मतलब कहना चाह रहा है अगर मैं कोई पैसा 75,000 रुपया अगर मैं डिपॉजिट करूं, अगर मैं किसी बैंक पीएफ डिपार्टमेंट व्हाटएवर वांट, राइट, पीएफ किसी के अंदर डिपॉजिट करता हूं 75,000 रुपया, उसके ऊपर मुझे इल्ड 3,500 रुपए मिलते हैं एज सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं। मतलब क्या हो गया, ऐसा ही हमें पहले से कैलकुलेट करके दे रखा है 3,500 रुपीज, और टाइम पीरियड क्या है 6 मंथ। पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सेम पी इंटू आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या है 3,500, पी क्या है मेरा 75,000, आर है मेरा नहीं पता मुझे निकालना है, टाइम है मेरा 6 मंथ, तो मेक श्योर यू विल डिवाइड बाय 12। Then divided by this, आपका आ जाएगा 3,500 divided by 37,500 and multiply by 100, because to calculate rate means percentage, we have to multiply by 100. तो मैंने क्या किया, ये चला गया, ये कट के ये आ गया, इसको इसके इसे divide कर दिया, या r रह गया, this is the r, right? और 100 कैसे आया, इसके नीचे 100 ऑलरेडी था, लगाना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट्स नॉट अ मंथ एंड ईयर, इट्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब 6% दिया होता तो क्या करते थे हम, 6 डिवाइडेड बाय 100 करते थे, वही चीज 100 लगाना था मिनट के, बिकॉज़ इट विल कम अप विद परसेंटेज। सो सॉल्व कीजिएगा अपने आप, देन दिस इज द आंसर। सेकेंड लीजिए समझने के लिए इसको।
Okay, let's go for another option. Another question. This is very important question. जो कई बार एग्जाम में आता है, right? क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एट व्हाट रेट परसेंटेज, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम, ऑब्वियसली परसेंटेज हमेशा पर एनम ही होती है, सालाना होती है, विल अ सम ऑफ मनी डबल in 6 years. At what rate percentage? मतलब किस पर rate percentage पर, मतलब क्या ऐसा interest rate रहा था पर annum वाला, will a sum of money double in 6 years? मतलब मेरा पैसा double हो जाता है 6 सालों में. मैं ऐसा क्या इंटरेस्ट रेट रहा होगा, मतलब मैं एक जगह पे जाता हूँ, एक बैंक में जाता हूँ, कुछ पैसा डिपॉजिट करता हूँ, मुझे नहीं पता व्हाट वाज माय इन्वेस्टमेंट, आई डोंट नो मैंने कितना डिपॉजिट करा, लेकिन मुझे 6 साल के बाद कुछ भी इंटरेस्टेड रहा होगा ना, मुझे पता है मैंने कितना इन्वेस्ट करा, ना मुझे पता है कि मैंने मेरे को इंटरेस्टेड कितना बैंक ने दिया, लेकिन मुझे ये बता दें कि 6 साल के बाद मुझे जो पैसा मिलता है वो मेरे पैसे का डबल होता है. तो अब ये पूछ रहे हो क्या इंटरेस्टेड रहा होगा, राइट? तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमें यूजली क्या होता है, अगर एक कोई फॉर्मूला है, मान लो ऐसा एक फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो ये निकालना है, या तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो ये नहीं दिया होगा, तो ये निकालना है. ऐसे इस तरह चीजें होती है, तीन में से एक चीज गैप होगी, वो भी इजिली निकाल सकते हैं, राइट? यहां पर क्या है, ना तो प्रिंसिपल पता है, ना तो रेट पता है, ना तो ये पता है, बस टाइम दे दिया. अब टाइम के बिहाफ पे, सिर्फ टाइम को एक बेस लेके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, थिंक अबाउट इट, राइट? तो यहां पर थोड़ी सी क्रिटिकलिटीज हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट दिस इज द चैलेंज. अब आए हमारी क्रिटिकलिटी स्टार्टिंग शुरू हो गई है, लेट्स डू दिस. ओके, सो इसको किया जाएगा डिफरेंट तरीके से. ये कह रहा है कि मैंने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, आई डोंट नो व्हाट वाज माय इन्वेस्टमेंट अमाउंट, राइट? बट आई नो कि दिस इज माय पी, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, मैं मान के चल रहा हूं ये मेरी इन्वेस्टमेंट है. ओके, अब ये इन्वेस्टमेंट मुझे कह रहा है 6 साल के बाद डबल हो जाती है. डबल का मतलब क्या, मतलब 2P हो जाती है, 2P तो हो गया, मतलब अगर मैं बोलता मैं 5,000 लगाता हूं तो मेरा डबल हो गया, 10,000 हो गया. तो दिस इज माय इन्वेस्टमेंट एंड देन सेइंग इट विल गेट डबल ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया मेरा 2P. अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि मैं 6 साल में कुछ और इन्वेस्ट कर रहा हूं? नहीं लिखा ना, तो मान के चलेंगे पहले दिन में जो इन्वेस्ट करा है वही आने वाले सालों में चलता आ रहा है, उसी पे इंटरेस्ट बनता जा रहा है, 6 साल में मुझे पैसा मिलेगा. गॉट इट? अब 2P की अगर बात करूं तो 2P का मतलब क्या है, ये मेरा पैसा मतलब प्रिंसिपल, ये पैसा क्या होगा जो आधा मिला है, सेकंड प्रिंसिपल जो है वो क्या है हमारा SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो इन दोनों को जोड़ के मेरा 2P बन गया. तो मैं क्या बोलता हूं, जब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है अमाउंट, राइट? तो मैं क्या कह सकता हूं, मुझे क्वेश्चन के अंदर एक हिडन इन्वेस्टमेंट, हिडन इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसको हम तभी समझ पाते हैं जब हम उसकी कॉन्सेप्ट के अंदर डीपली क्लियर हो जाए, तलना हो जाए, राइट? तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में समझा रहा प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्यों होता है, क्यों इस चीजों की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर चीजें गिवन होती हैं बट हमें पता नहीं होता एक्चुअली गिवन है. अब तो मैं लिख सकता हूं इसको अमाउंट इज इक्वल टू 2P, मतलब मेरे क्वेश्चन में एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है. एक बार दोबारा से बात करते हैं, मैंने बोला कि क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कि मैंने कुछ पैसा डिपॉजिट किया था, कुछ इंटरेस्ट रेट पे किया था, ना मुझे मेरा पैसा पता कितना था, ना मुझे ये पता है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, बस इतना पता है कि 6 साल के बाद मेरा पैसा डबल हो गया. अजूबा, राइट? अब
पैसा डबल तो हो गया, डबल कैसे हुआ? ऑब्वियसली अगर मैं कोई एक रुपया इन्वेस्ट करता हूँ मुझे दो मिल रहे हैं, तो एक रुपया मेरा होगा जो एक एक्स्ट्रा जो मिल रहा है मुझे डबल इक्वल पार्ट, वो क्या होगा मेरा? सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, जो टू भी है प्लीज माय अमाउंट, राइट, इट्स माय अमाउंट बट वी हैव आई हैव इन्वेस्टेड इन सिक्स ईयर बैक, राइट, और ये अमाउंट क्या है जो मुझे मिला, दैट इज माय सिंपल इंटरेस्ट. अब इन दोनों को क्लब कर दूं तो मेरा क्या बन जाता है वो अमाउंट. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज यू नो हिडन इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू b की वैल्यू गिवन है, गॉट इट. दूसरी चीज का गिवन है हमें, हमें गिवन है टाइम 6 इयर्स, राइट गाइस. अब व्हाट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, अगेन यू कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन. कैसे करोगे सॉल्व? सिंपल सी चीज, एक फॉर्मूला याद है, a एस आई इज प्लस क्या होता था प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला होता था जो हम यूज करते थे, राइट. दूसरा फॉर्मूला क्या होता था एस आई का, पी इंटू आर इंटू टी. ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे एक साथ जुड़ लग के ही कैलकुलेट होंगे, मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू, दोनों फॉर्मूले के थ्रू ही, यानी दोनों फॉर्मूले एक साथ ही यूज होंगे, बोथ द फॉर्मूला विल वर्क साइमल्टेनियसली टुगेदर, राइट. लेट्स स्टार्ट. पहले ए की जगह मुझे क्या गिवन है, टू पी गिवन है, राइट, अप्लाई कर दो. ऐसा ही नहीं गिवन है, नहीं जी मुझे ऐसा ही नहीं गिवन, मुझे पी गिवन है, नहीं जी मुझे प्रिंसिपल भी नहीं पता. लेकिन पी अगर मैं इधर लेकर आ दू, माइनस पी कर दू, मेरे पास क्या बचता है, ओनली पी इज इक्वल टू एस आई. यहां से की इंफॉर्मेशन निकलगी एंड यू विल अप्लाई दिस, यू कैन कनेक्ट विद दिस वैल्यू विद दिस फॉर्मूला, द सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए. यहां पर ऐसा की जगह मैं पी यूज कर लेता हूं, यहां मेरा ऑलरेडी पी है ही, आर मेरा मुझे पता नहीं है, टाइम मुझे पता है मेरे हैं 6 इयर्स, राइट. पी से पी कैंसिल, राइट, यहां के बच गया, यहां के बच गया बताइए, 1 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 6, देन 1 बाय 6 इज इक्वल टू आर, एंड यहां कर देंगे मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, 100 इज मैंडेटरी, यहां लगाओगे तो ऑब्वियसली वहां तो जाएगा ही जाएगा, तो मेरा आर की वैल्यू आ गई 100 बाय 6. अब इसको कैलकुलेट करके परसेंटेज में दिखा देना, गॉट इट गाइस. सो दिस इज द सिचुएशन वी हैव हियर, राइट. सबसे पहले आपको ये सिचुएशन समझनी है, दिस इज माय फर्स्ट सिचुएशन एंड दिस इज माय सेकंड थिंग एंड दिस इज माय थर्ड पोर्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो दिस इज द आंसर, राइट. तो मेक श्योर कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को एक से दो, दो से तीन बार जरूर पढ़िए. आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है बट कई बार हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. ऑब्वियसली द लैंग्वेज, लैंग्वेज का इशू तो हर जगह होता है, मुझे भी था शुरुआत में, देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डीप, देन आपके सामने रिजल्ट है, राइट. तो कुछ भी इस क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगा प्लीज मेंशन कीजिएगा कमेंट के अंदर. आई विल ऑल्सो शेयर माई यू नो पर्सनल मेल आई डी, इफ यू वॉन्ट टू राइट एन ई मेल please go ahead, you can also send it to me. I will share my mail ID, my mobile number, if you have anything related to that, you can also WhatsApp, okay, just do me WhatsApp, you can also share on Facebook, whatever you want, right, there are so many medium to connect with me, right. So this is the solution of this question. Let's go further and try another question similar to that. Take your 10 seconds, guys.
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज 1035 इन 2.5 years एट 6% ऐसा। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज इतना 1035 इन 2.5 साल में एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज, मतलब मेरा प्रिंसिपल ऐसा मैंने कितना पैसा डिपॉजिट करा होगा कि वो 2.5 साल में 6% ब्याज के हिसाब से मुझे इतना मिल गया मैच्योरिटी अमाउंट। मतलब ये मेरा क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट गाइस, प्लीज हाईलाइट कीजिए यहां पर, राइट। आपको ये बोल रहा है मैंने कितना डिपॉजिट करा होगा जिससे कि मेरा अमाउंट इतना मुझे मिला मैच्योरिटी पे 2.5 साल में 6% के हिसाब से। तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ए दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टाइम 2.5 years, ठीक है, और आपको रेट दिया हुआ है 6%। इजी है, दो फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्यूशन होना है। पहले आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी, राइट, सिंपल इंटरेस्ट का पी मुझे पता नहीं मैंने कितना इन्वेस्ट किया, रेट मेरा है 6%, टाइम है मेरा 2.5 years, दैट इज 5/2। कैसे गया, 2 × 4 and + 5, राइट, तो हमारा ये हो गया 5/2। इसको सोल्व किया, यहां से एक इक्वेशन निकलेगी सिंपल इंटरेस्ट की, गॉट इट, करी देते हैं। आपके पास ये आ गई सिचुएशन, SI is equal to 3P divided by 20, ये आपकी सिचुएशन आ गई, यहां से वैल्यू निकल गई आपकी। दूसरा फॉर्मूला आप लगाइए A, क्योंकि हमें A गिवन, ऑब्वियसली A का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि मैच्योरिटी का फॉर्मूला है, मैच्योरिटी हमें गिवन है। A इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, यू नो मेरा पैसा और मुझे जो मिला इंटरेस्ट दोनों को छोड़ के अमाउंट बनता है, अमाउंट मिला है 1035, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से मुझे ये फॉर्मूले से यहाँ से कनेक्शन मेरे को मिल गया 3P/20, राइट, इसमें से P कॉमन ले लीजिए, ओके, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां आगे सॉल्यूशन इसका कीजिए। तो सॉल्व करने का आपको पता लग जाएगा कि मैंने एक्चुअल में कितना अमाउंट डिपॉजिट करा मेरे अकाउंट में जिसको मुझे 2.5 साल में 6% के हिसाब से इतना मिला, राइट गाइस, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, राइट इट डाउन। So, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगे गाइस एग्जाम्स में, वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस लेक्चर, द सेकंड लेक्चर, राइट, एंड अनदर वन विल डेफिनेटली लेट यू नो, ओके, फॉर द टाइमिंग यू कैन अगेन यू नो रिव्यू दिस सेशन वंस अगेन सो दैट यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू कैन कनेक्ट विद व्हेन आई विल discuss this, continue this chapter in the next lecture. तो easy रहेगा कि हम लोग next lecture में हम दोनों एक साथ subject जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें पिछले session के बारे में पता होगा, तो make sure कि आप इसको please पढ़िएगा जरूर, इसको recall करके जरूर रहिएगा। I will definitely try to recall it again in the next session, but for the time you can review it and you can do your practice as well. If you have a subject, if you have a supplement, right, with you, so please you can also try few questions as well. अगर क्वेश्चन नहीं होता है व्हाट्सएप कीजिए, मेल पे स्क्रीनशॉट भेजिए,
कुछ भी भेज सकते हैं उन क्वेश्चन का आंसर. आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द क्लास. इफ इट विल नॉट हैपन आई विल ट्राई टू गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर द सेम थ्रू योर व्हाट्सएप और मेल आईडी. ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन गाइस. दिस इज डन नाउ. ओके फॉर फर्दर क्वेरी यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी एट माय व्हाट्सएप नंबर. Okay, this is my WhatsApp number. If you want to connect with me, you can also give me a missed call or you can send me a WhatsApp. Okay, if you want to connect on Gmail, this is my mail ID, mohit.malhotra6618@gmail.com. This is my mail ID. You can connect me. For the rest of the information, I will definitely, I have already, you know, mentioned in the below section. You can refer. Thank you for your time, guys. Thank you for listening. And if you like it, please definitely subscribe and pass, share this particular session or video with your friends, because I'm just trying कि आप जितने भी students जो कि time नहीं दे पाते हैं study को for their personal reasons की वजह से, job की वजह से, उन लोगों के लिए काफी help होगा. I know that कि ये future के लिए आपको और आपके students friends होंगे उनके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट होगा. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. थैंक यू एवरीवन वंस अगेन. थैंक यू बाय.